हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैंने हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर चूज़ किया है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये सीखेंगे कि किसी चैप्टर को कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर में ढाल करके हम पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से इनके मुख्य बातों को आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोगों को पता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता के जानकारी से पहले वैदिक सभ्यता को ही हम सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में मानते थे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश काल में इसे विभिन्न स्तरों पर खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब इस सभ्यता का पता चला तो यह ज्ञात हुआ कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। न केवल यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है बल्कि विश्व की प्राचीन चार महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, जिसमें हम लोग नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन के संबंध में हम लोग कई पॉइंट्स पे पढ़ेंगे, जैसे इसके खोज के संबंध में क्या पॉइंट्स हैं, इसके काल अर्थात टाइमिंग के बारे में क्या है, नामकरण, इसे अलग अलग नाम क्यों दिए जाते हैं, उद्भव, किन लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया, विशेषता, जहाँ से पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव्स निकल करके आते हैं, और इस सभ्यता का विस्तार। इसके अलावा दो टॉपिक और रह जाते हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, वो है प्रमुख स्थल और वहाँ से किन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है और क्या ऑब्जेक्टिव्स बना करके पूछे जाते हैं, और लास्ट इस सभ्यता का पतन। तो ये दो बेसिक चैप्टर है जिसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये जितने टॉपिक्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इनका बेहतर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के संबंध में। खोज के संबंध में यहाँ चार पांच पॉइंट्स लिखे गए हैं दोस्तों, इन्हें एक क्रम में आपको याद रखना है ताकि आपसे अगर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स बना करके पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है चार्ल्स मैसन। क्या हुआ था कि ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा क्षेत्र के संबंध में इन्हें कुछ बेसिक जानकारी मिली और इन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। यह घटना 1826 की है। तो कई बार ये क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में किसी बेसिक जानकारी को किसने दी थी, हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। तो चार्ल्स मैसन याद रखेंगे दोस्तों 1826 में, और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, और इसी पत्रिका में उन्होंने इसके विषय में जानकारी पहली बार व्यक्त की थी जो धीरे धीरे करके फैलनी शुरू हो गई। इसके बाद की एक घटना है बर्टन बंधु के संबंध में। 1856 के आसपास में पाकिस्तान के दो क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच में, कराची ये समुद्री तट पर है और यहाँ से यहाँ के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी। इस रेलवे लाइन के निर्माण के क्रम में दो इंजीनियर थे और दोनों भाई थे और इनका नाम था बर्टन बंधु, एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। तो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के नेतृत्व में ये जब रेलवे की पटरी बनाने का काम हो रहा था, इस दौरान इन टीलों से ईंटें प्राप्त होनी शुरू हुई। इन ईंटों को इन्होंने बड़ी आसानी से प्राप्त करके इस ट्रैक को बिछाने के क्रम में लगा दिया, यानी यूज कर लिया। नतीजा ये निकला कि इस समय इन्हें ज्ञात तो हुआ कि यहाँ कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी
होगी, कोई पुराना भवन रहा होगा, लेकिन यह किसी सभ्यता का अंग है यह इनको नहीं पता चला और इस संबंध में इन्होंने ज़्यादा शोध करने का प्रयास नहीं किया। पहली बार यहाँ अगर किसी ने शोध करने का प्रयास किया तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद करेंगे दोस्तों कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1853 से 1856 के बीच में इन्होंने कई बार इस हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र में जाकर के इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन यह भी उतने सफल नहीं हो सके जितनी सफलता की आवश्यकता थी। अर्थात यह पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से इस सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं दे सके। और फाइनली लास्ट में एक पॉइंट जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, सर जॉन मार्शल। याद रखेंगे दोस्तों सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो 1921 में भारत के पुरातत्विक विभाग के हेड थे और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और खुदाई करने वाले दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे दयाराम साहनी, इन्हें पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से जाना जाता है, और दूसरे थे राखल दास बनर्जी। तो क्या हुआ, दयाराम साहनी के नेतृत्व में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा तथा राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई और इस तरह से इन्हें भी सर्वाधिक प्रारंभिक खोजकर्ताओं का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। और पार्टिकुलर रूप से जब हड़प्पा की खोज या मोहनजोदड़ो की खोज पूछेंगे तब दयाराम साहनी या राखल दास बनर्जी को हम लोग देते हैं। फिलहाल ये आप एक बैकग्राउंड के रूप में खोज के संबंध में ज्ञान रख सकते हैं कि कैसे इसे क्रम वाइज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अब आ जाते हैं हम लोग काल के संबंध में। बेसिक रूप से कई बुक में आपको इसके काल के संबंध में लिखा रहता है, कहीं 2500 से लेके 1700, कहीं 2400 से लेके 1700, कहीं 2350 से लेके 1750, अलग अलग काल आपको मिलेंगे। इसका कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो टोटल के टोटल पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत को यहाँ पढ़ा नहीं जा सका है। परिणाम स्वरूप अलग अलग जो खोजकर्ता थे, जैसे सर जॉन मार्शल थे, डीपी अग्रवाल थे, चाइल्ड थे, इन सभी ने क्या किया, अपने अपने अनुसार इसका तिथि क्रम देना शुरू किया। सबसे पहला तिथि क्रम सर जॉन मार्शल ने दिया, क्योंकि ये इस पूरे विभाग के नेतृत्वकर्ता थे खुदाई विभाग के, इसलिए इनका टाइमिंग याद रखना एक जरूरी बन जाता है। इन्होंने कहा कि 3250 BC से लेकर के 3250 BC से लेकर के 2750 BC तक यह इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जिसके माध्यम से किसी जीवाश्म के आयु ज्ञात की जाती है और इसी माध्यम द्वारा जब आयु निकाला गया तो इसे माना गया 2300 से लेकर के 1750 BC, 2300 से लेकर के 1750 BC, और इस पद्धति को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया DP अग्रवाल ने। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन 14 पद्धति के आधार पर काल कितना से कितना, तो 2300 से लेकर के 1750, और किस भारतीय पुरातत्ववेता ने इसका समर्थन किया था, तो DP अग्रवाल के नेतृत्व में इसके तिथि को अनुमोदन दिया गया। और इस तरह से वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा इसे श्रेय दिया जाता है किसी तिथि को तो ये 2300 से लेकर के 1750। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में अलग अलग विचार दिए, तो फाइनली 2500 से लेकर के 1700 के बीच इसका काल मुख्य रूप से माना जाता है। तो आपसे ये एक पॉइंट आता है, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं और ये एक पैमाना बना जहाँ ज़्यादातर इतिहासकार आपस में सहमत दिखाई देते हैं, नहीं तो वैसे इसके काल के संबंध में सभी इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग नामकरण के संबंध में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के तीन नाम विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। एक पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो प्रारंभ में जितने स्थल खोजे जा रहे थे वो बेसिकली सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे पाए जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि शुरू से एक परंपरा विकसित रही थी कि नील नदी की सभ्यता, क्वांगहो नदी की सभ्यता, तो वैसा ही माना गया कि भारत में भी यह सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के किनारे ही है, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता।
लेकिन बाद में चल करके ऐसा पाया गया कि ये केवल सिंधु नहीं बल्कि सरस्वती नदी के किनारे भी मुख्य रूप से इसके स्थल है, और परिणाम स्वरूप इसे सिंधु एवं सरस्वती की सभ्यता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता। हालांकि ये कुछ इतिहासकारों के बीच ही नाम प्रचलित रहे और बुक वगैरह में इस नाम को बहुत कम ही जगह दी जाती है, तो ये सभ्यता से जुड़े हुए नाम में आपको बेसिकली मेन नाम सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण है वो है हड़प्पा सभ्यता। इतिहास में एक कल्चर रहा कि यदि किसी सभ्यता के नामकरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वह सभ्यता का नामकरण यानी उस सभ्यता का नामकरण उस स्थल के नाम पर किया जाएगा जिस स्थल की खुदाई सबसे पहले होती है। तो हमने यहाँ पढ़ा था 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है और यह हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था। यही कारण है कि इसे एक नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों आप यहां से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों नाम दिया गया। कई बार ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि यह प्रथम वह स्थल था जिससे इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उद्भव। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ से भी बहुत सारे विद्वान जो हैं इतिहासकार जो इस संबंध में निष्कर्ष निकाल रहे थे तो उनमें एक मतभेद दिखाई देता है। क्या मतभेद दिखाई देता है? तो जो विदेशी इतिहासकार थे मुख्य रूप से सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, ये लोगों ने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात आई। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, तो उसी तरह से यह खोजने का प्रयत्न किया गया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब इस संबंध में जब समस्या आनी शुरू हुई तो जो विदेशी इतिहासकार थे मुख्य रूप से उन लोगों ने विदेशी मत को प्रधानता दी, विदेशी मत को प्रधानता दी। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा हम समझते हैं, ये भारत का यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी तो धीरे से आगे बढ़ने पे यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उससे आगे बढ़ने पे यहाँ अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर ही एक सभ्यता थी जिसको सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था, सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। तो विदेशी इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया कि इस सभ्यता का निर्माण सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया और यही लोग आकर के यहाँ बसे और धीरे धीरे भवन बनाना शुरू किए, सभ्यता का विकास किए और इस सभ्यता के पूर्ण निर्माता सुमेरियनों को माना। तो ये मानने वाले विचारों में सर जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, डीडी कौसाम्बी आदि मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहे। तो यह मुख्य रूप से विदेशी इतिहासकार ही इसको मानते हैं। फिर है दूसरा मत है स्थानीय मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भी यह माना कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भारतीय थे। इन्होंने भी अपने तर्क रखे और इन्होंने भी अपने तर्क रखे। विदेशी मत वालों ने अपने तर्क रखे कि जिस प्रकार के भवन सुमेरिया में पाए जाते हैं उसी प्रकार के भवन सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं, वो भी मोहरों का यूज करते थे, ये भी मोहरों का यूज करते थे, उनकी भी कुछ धार्मिक परंपराएं भारत से मिलती जुलती थी। लेकिन जब स्थानीय परंपरा की बात आई और स्थानीय मत की बात आई तो इन्होंने भी अपने तर्क रखे कि नहीं, दोनों में भवन जरूर पाए जाते हैं लेकिन नालियों की व्यवस्था अलग अलग थी, दोनों में ईंटों के आकार अलग अलग थे, दोनों में मुहरों की क्वालिटी अलग अलग थे। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय मत को इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। और इस संबंध में दो मत आपको बहुत मुख्य रूप से याद रखना है, ये द्रविड़ कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ जाति के लोग थे। और राखलदास बनर्जी, वही राखलदास बनर्जी जो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, तो राखलदास बनर्जी ने यह तर्क दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कोई और नहीं बल्कि द्रविड़ जाति के लोग थे। इसके अलावा TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने कहा कि नहीं, इसके निर्माता आर्य थे। हालांकि इस विचार को बहुत कम तवज्जो दी जाती है, इसका कारण ये है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं और उनका काल बिल्कुल भी सिंधु घाटी से मैच नहीं करता है। तो यदि आर्य इतने पहले आ गए थे, अगर उन्हें
ईंटों के घर में रहने की जानकारी थी तो फिर वो वैदिक काल में आकर के झोपड़ी में क्यों रहते हैं। तो इसको तो कम ही मत दिया जाता है, सबसे ज़्यादा मत इसी को दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो मत देखें, विदेशी मत और स्वदेशी मत अर्थात स्थानीय मत, जिसमें सबसे मुख्य है द्रविड़, जो कि राखलदास बनर्जी ने बताया। अब आ जाइए विशेषता में चलते हैं, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली विशेषता, नगरीय सभ्यता। भारत की पहली नगरीय सभ्यता यानी नगरीय सभ्यताओं का पहला जन्म भारत में अगर कभी होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में होता है, और यहीं से सबसे पहले नगरीय स्वरूप का विकास प्रारंभ हो जाता है। नगर की जितनी भी विशेषताएँ थी, जैसे पक्के के भवन होना, सड़कें चौड़ी होना, नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की सारी सुख सुविधाएं इस सभ्यता में मौजूद थे, और मुख्यतः ये नगर जो कि व्यापार प्रधान हुआ करते थे ये सभ्यता में मौजूद थे। तो ये सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, दूसरी विशेषता जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। यहाँ से एक पॉइंट पूछता है, चूँकि इससे पहले जो सबसे पहला खोजा गया धातु था, आपको पता होगा तांबा, पढ़ते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा जाता है कि सबसे पहला खोजा गया धातु तांबा था, तो तांबा और टीन याद रखेंगे दोस्तों, तांबा प्लस टीन, इन दो धातुओं को मिलाने से एक धातु तैयार हुआ कांसा, और इस कांसे का उपयोग जिस सभ्यता के दौरान किया गया उसी सभ्यता को हम लोग कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, ब्रॉन्ज एज, इससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन बनता है, जैसे जिस काल में तांबा का यूज हुआ वो ताम्रयुगीन सभ्यता, जिस काल में पत्थर का यूज हुआ उस काल को पाषाण सभ्यता, जिस काल में लोहे का ज़्यादा यूज हुआ उसे आयरन एज या लौह युगीन सभ्यता के रूप में जानते हैं। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का बहुत उपयोग हुआ, यही कारण है कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं दूसरा, एक और विशेषता, आध ऐतिहासिक सभ्यता। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो आध ऐतिहासिक सभ्यता है। अब ये आध ऐतिहासिक सभ्यता से क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। आध ऐतिहासिक सभ्यता से तात्पर्य है कि ऐसी सभ्यता जिसमें लिखित जानकारी मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तीन प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं इतिहास में, एक प्रागैतिहासिक सभ्यता, एक आध ऐतिहासिक सभ्यता और एक इतिहास। प्रागैतिहासिक सभ्यता में वे सभ्यताएं होती हैं जिनके विषय में ना तो लिखित जानकारी मिली है और ना ही लिखित जानकारी को पढ़ा जा सकता है, मिली ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो जैसे पाषाण काल, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। आद ऐतिहासिक काल में वैसी सभ्यताएं आती हैं जिनसे लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैसी ही सभ्यता है, और यहाँ से जो लिपि मिली थी वो चित्र लिपि थी, कुछ चित्र के माध्यम से बनाए गए थे और उसे पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इतिहासकार इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, पुरातत्ववेत्ता इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, आद ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और जैसे ही लिखित स्रोत को पढ़ लिया जाएगा इसे नाम दे दिया जाएगा इतिहास। तो ये तीन वर्ड आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये सभ्यता कैसी सभ्यता है, आध ऐतिहासिक सभ्यता है, क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, शांति प्रिय सभ्यता। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, प्राचीन मैक्सिमम सभ्यताओं में हम लोग ये देखते हैं कि युद्ध एक मुख्य आधार था किसी भी विषय पर, चाहे वो धार्मिक राजनीतिक विषय हो, उसके लिए युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष गुण ये देखने को मिलता है कि इस दौरान लोग शांति प्रिय थे, किसी भी प्रकार के युद्ध के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है, पूरे खुदाई के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग शांति प्रिय थे, शांतिपूर्ण रहते थे और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे। तो शांति प्रिय सभ्यता होना इसकी एक प्रमुख विशेषता है। व्यापार प्रधान,
जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं मैक्सिमम कृषि प्रधान रही हैं। कृषि को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था, कृषि पर ही पूरी सभ्यताएं टिकी होती थी। जैसे हम लोग वैदिक काल में आके पढ़ेंगे तो पशुपालन और कृषि ज़्यादा प्रमुख थे। इस काल में व्यापार को बहुत प्रधानता दी गई, क्योंकि आज भी अगर हम ध्यान दें तो शहरें क्या है, व्यापारिक केंद्र होती हैं। शहरों में कृषि कार्य नहीं होते हैं, शहरों में क्या होते हैं, व्यापार होते हैं। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के काल में शहरें जो थी वो अत्यधिक प्रसिद्ध थी और शहरें व्यापार का एक प्रमुख केंद्र थे, वहां से व्यापार संचालित होते थे। और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में देखा जाता है। अब आइए विस्तृत सभ्यता। तो इस सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था, इवेन जितनी बड़ी सभ्यता मिस्र और नील मिलाकर नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यानी यह एक विस्तृत सभ्यता थी। इसके अलावा इसके विभिन्न आधारों को भी हम लोग विशेषता के रूप में पढ़ सकते हैं, जैसे इस समय के राजनीतिक व्यवस्था कैसे थे, आर्थिक व्यवस्था कैसे थे, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक में हम लोग विशेष रूप से देखते हैं कि राजनीति का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक था कि प्रजातंत्रात्मक था। तो मैंने आपको अभी ही बताया कि इस पूरे सभ्यता के अध्ययन के लिए जो स्रोत उपलब्ध है वो बेसिकली पुरातात्विक स्रोत है, अर्थात खुदाई से प्राप्त स्रोत है। किसी प्रकार का लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हो पाया है, उसे हम नहीं पढ़ पाए हैं। नतीजतन परिणाम ये निकलता है कि इस सभ्यता के संबंध में जो भी जानकारियाँ हम इकट्ठा किए हैं वो सब किसी पुरातत्व को देखकर अनुमानित रूप से इकट्ठा किए हैं, गेस वर्क के द्वारा इकट्ठा किए। तो राजनीतिक जीवन के संबंध में कैसी व्यवस्था थी इसके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ ये मानते हैं कि पूरा पुरोहित या व्यापारी वर्ग ही इस पूरे सभ्यता का संचालन करते थे, कुछ कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। तो अलग अलग मत है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कम बनते हैं। आर्थिक में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे कृषि कार्य शुरू होता है, पशुपालन में कौन से पशु थे, ये सारी चीज़ें आर्थिक क्रिया का प्रमुख अंग बन जाते हैं। व्यापार अगर होता था तो देशीय व्यापार था या केवल देशीय या विदेशी, तो यहाँ दोनों व्यापार थे, देश के अंदर भी होते थे और देश के बाहर भी होते थे, तो ये आर्थिक क्रिया का अंग हो जाते हैं। सामाजिक क्रिया में समाज कितने वर्गों में बटा था, तो चूंकि हम लोग वैदिक काल से पढ़ेंगे कि समाज चार वर्ग में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखित जानकारी नहीं है तो हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर चार ही थे या अलग थे। लेकिन ऐसा यहाँ के खुदाई स्थलों से यह देखा गया कि जितने भी शहर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। तो पहला भाग उच्च नगर होता था, दूसरा निम्न नगर होता था। तो जो उच्च नगर होते थे उसमें बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े भवने थी, तो वो विशेष रूप से धनी वर्ग के लिए था, और जो निम्न नगर था उसमें गरीब वर्ग रहते थे। तो इतना तो तय है कि यहाँ दो वर्ग थे, एक धनी वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। सांस्कृतिक में विशेष रूप से यहाँ के धर्म जीवन, इसके धार्मिक जीवन या फिर इसके कला साहित्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कला में हम लोग जैसे लिपि का ज्ञान था इन्हें, इन्हें माप तौल का ज्ञान था, इन्हें मूर्ति कला का ज्ञान था, इन्हें बर्तन निर्माण कला का ज्ञान था, धातु कला का ज्ञान था, ये सारे कलाओं का ज्ञान सांस्कृतिक जीवन में पढ़ा जाता है। ये बेसिकली आपको जब मेंस की अध्ययन करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से आपको समझ समझ के पढ़ना। अब हम लोग आते हैं लास्ट की ओर, जो है विस्तार। तो इस सभ्यता का विस्तार कैसा था, कहाँ स्थित थे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस विस्तार की ओर बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं कि विस्तार के संबंध में कैसे एक अच्छी जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है।
चलिए दोस्तों देखते हैं, ये भारत है और भारत के उत्तर पश्चिम, इस भाग को हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं, इसी भाग में ये सभ्यता स्थित थी और इसी सभ्यता के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका विस्तार देखते हैं। तो यहाँ ऊपर में जम्मू कश्मीर में एक जगह था मांदा, जगह का नाम क्या था दोस्तों? मांदा। नीचे यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह था दाइमाबाद, और यहाँ पर एक यूपी में जगह है आलमगीरपुर, और यहाँ एक बलूचिस्तान में जगह है सुतका गेडोर। अब इसी चीज़ को ऐसे एरो से हम मिलाएंगे हम लोग, और इस तरह से, और इसको एक थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे। ये मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करता है इस तरह के मैप, अगर आप कभी मेंस देते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये इसकी चौहद्दी थी, ये लगभग जब प्राप्त हुआ था तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो तीन चीज़ें सबसे पहले समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको 12,99,000 था तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और धीरे धीरे इसके स्थल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं इनका आकार भी बढ़ता जा रहा है। कुछ बुक्स अलग लिखते हैं कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुके हैं, कुछ लिखते हैं कुछ, तो आप NCERT को फॉलो करें, लगभग 13 लाख ही इन्होंने लिखा है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था, ये इसके सबसे बाउंड्री स्थल हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे मिले हैं। ये आलमगीरपुर यूपी में मिलता है, मांदा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और सुतका गेटोर बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे हैं, मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे हैं, यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं, और दाइमाबाद गोदावरी नदी के सहयोगी नदी के किनारे हैं। तो इस तरह से ये चार इसके सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो इस क्रम में यह लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर ये इस तरह के लंबाई में देखे पूरब से पश्चिम की ओर तो लगभग 1600 किलोमीटर में, और ऊपर से नीचे की ओर देखे उत्तर से दक्षिण की ओर तो लगभग 1400 किलोमीटर में ये विस्तृत है, और इस तरह से यह एक विस्तृत सभ्यता का निर्माण करते हैं। कुछ बुक्स तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस समय, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग विस्तृत कर लेते हैं, ये जो सभ्यता हो गई भारत की सभ्यता, आगे बढ़ेंगे तो इराक कहते हैं अभी वर्तमान में, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और यहाँ से भी भारत का व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता से, और इसी से आगे जब अफ्रीका में बढ़ते हैं तो अफ्रीका में एक मिस्र में सभ्यता है जिसको हम लोग नील नदी की देन या मिस्र की सभ्यता कहते हैं, तो यहाँ से भी व्यापार होता था। तो बुक्स के अनुसार इस मिस्र की सभ्यता और इस नील की सभ्यता को अगर जोड़ दिया जाए तो भी इससे 12 गुना अधिक बड़ा भारतीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल काफ़ी विस्तृत था। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यह विस्तृत सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध रही। अब इस सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं वो तीन देशों में प्राप्त होते हैं, याद कर लेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में, और तीसरा भारत में। स्वतंत्रता से पहले जब इसकी खुदाई शुरू हुई, जैसे हम लोगों ने देखा कि 1921 से ही शुरू हो जाते, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत में जब ये खोजे जाने लगे तो इसके मात्र 40-50 स्थल ही मिले स्वतंत्रता से पूर्व। वर्तमान में इसके लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, इतने अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक 900 से अधिक स्थल भारत में, और बाकी बचे हुए पाकिस्तान में, और मात्र 2 स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। ठीक है, तो इन बेसिक महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और वहां से क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिलहाल हम लोग समझ देते हैं। तो अफगानिस्तान से केवल 2 क्षेत्र मिले हैं,
पाकिस्तान से लगभग 500 के आसपास में क्षेत्र मिले हैं और इन क्षेत्रों में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो ये मुख्य रूप से अधिक प्रसिद्ध हैं। भारत में यदि बात करें तो भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, पंजाब का पड़ोसी हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और इस क्षेत्र में यूपी, ये मुख्य रूप से वो क्षेत्र है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं और इन स्थलों से भी कई ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। अगर भारत की ही बात करें तो अभी तक खोजे गए सभी स्थलों में भारत में यदि सबसे स्थल अधिक खोजे गए हैं तो वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से सबसे अधिक स्थल गुजरात में ही मिले हैं। ठीक है, तो इन स्थलों में कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, क्या क्वेश्चन